बरस हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके कर रहे थे, जो आपकी जीके की बुक है, इसका नेम है जीके प्लैनेट, और इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। टर्म 1 में हमने अप टू यूनिट 3 कंप्लीट कर ली थी और यूनिट 4 हमने कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जिसका अप टू चैप्टर नंबर 14 हमने कंप्लीट कर लिया था। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, जो कि है पेज नंबर 22-23 पर। तो देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है, इसका नेम क्या है, अ ग्लिम्पसेस ऑफ यूरोप, है ना। यूरोप से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है। जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो कुछ कंटिनेंट्स में डिवाइडेड है। टोटल 7 कंटिनेंट्स आर देयर इन अवर होल अर्थ, ठीक है। तो उन्हीं में से एक कंटिनेंट है हमारे, कौन सा, यूरोप, है ना। तो यूरोप जो है वो 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट है हमारे वर्ल्ड का, क्लियर, 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। तो बेसिकली कंटिनेंट में बहुत सारे, कॉन्टिनेंट में बहुत सारे क्या आते हैं, हमारे देश आ जाते हैं, क्लियर। तो उन्हीं देश से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। तो ये जो भी लिखा हुआ है ये आपको खुद रीड करना है, पढ़ना है, क्लियर। और हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके, जो भी फिलअप्स है। नेम द फॉलोइंग लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द एंटायर फॉल्स इन यूरोप, सबसे बड़ी कंट्री जो कि हमारे यूरोप कंटिनेंट में आती है, तो उसका नेम बताना है हमारे लिए। तो इसका है हमारा फ्रांस, क्या, फ्रांस जो है ना, फ्रांस ये हमारे कहां पर आती है, यूरोप में आती है, तो हमने लिख दिया, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं लार्जेस्ट आइसलैंड इन यूरोप। आइसलैंड होते क्या है, जो चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए रहते हैं, है ना, और बीच में वो एक लैंड का टुकड़ा रहता है, क्लियर। तो चारों तरफ से जो देश घिरा हुआ है, लार्जेस्ट आइसलैंड इन यूरोप, उसका नेम बताना है। तो वो है हमारा ग्रेट ब्रिटेन, क्या नेम है, ग्रेट ब्रिटेन, GREAT BRITAIN, ग्रेट ब्रिटेन जो है ना वो लार्जेस्ट आइसलैंड है यूरोप का। इसके बाद आगे देखते हैं, कंट्री हैविंग द लॉन्गेस्ट पोस्टल लाइन इन यूरोप, वो कंट्री जिसकी सबसे बड़ी समुद्र जो हमारा सी है ना, कोस्टल एरिया समझते हैं, जो समुद्र से लगी हुई बाउंड्रीज होती है या फिर सी से जो लगी हुई बाउंड्रीज होती हैं, वो सबसे ज्यादा लंबी किस कंट्री के पास है, है ना, यूरोप में। तो हमें उसका बताना है नेम, उसका नेम है नॉर्वे, क्या नेम है, नॉर्वे। तो मैं यहाँ पे नॉर्वे लिख देता हूँ, NORWAY। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में लिखा है द लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन यूरोप, सबसे बड़ी यूरोप की लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री समझते हैं, वो कंट्री जो कि चारों तरफ से एक भी साइड से उसके पास सी नहीं है, है ना, सी कोस्टल लाइन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कंट्री को बोलते हैं हम लैंड लॉक कंट्री, मीन्स लैंड से ही वो क्या हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। तो उस कंट्री का नेम बताना है, तो उस कंट्री का जो हमारा नेम है जो कि यूरोप में है वो है कजाकिस्तान, क्या है, कजाकिस्तान। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कजाकिस्तान कहाँ पर आता है, हमारा यूरोप में ही आता है, KAZAKAZAKHSTAN, कजाकिस्तान, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, 15 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देखो अभी तो ये फर्स्ट ही पार्ट था, अभी हमें सेकंड पार्ट भी करना है, तो सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में ये लोग बेसिकली स्विट्जरलैंड, जो कि एक यूरोप का देश है, यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इसको, इन सब कंसेप्ट्स को रीड करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेम द टू इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर इन द वर्ल्ड, ऐसे कौन से दो प्रोडक्ट हैं जो स्विट्जरलैंड बनाता है जो कि वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो उसका जो नेम है वो है, पहला तो चॉकलेट और दूसरा है चीज, पहला चॉकलेट, CHOCOLATE, चॉकलेट बनाता है, वर्ल्ड फेमस चॉकलेट बनाता है स्विट्जरलैंड, और चीज, CHEE, चीज भी वर्ल्ड फेमस है स्विट्जरलैंड की। वॉट इज द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है, हमें ये बताना है। तो ये है स्विस फ्रांस, क्या नेम है, स्विस, SWISS, स्विस फ्रांस, FRANC, ओके, दिस इज द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं, इन विच सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड द हेडक्वार्टर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर लोकेटेड, मीन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं पूरे वर्ल्ड में, देखो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लेकिन उन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कहीं ना कहीं उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो कि वहां से सारे ऑपरेशंस
वो क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो एक स्विट्जरलैंड के किसी एक सिटी में होंगे। तो उसका नेम बताना है हमारे लिए, तो उसका जो नेम है वो है जेनेवा, GENEVA। तो आप थोड़ा सा नेट पे अगर सर्च करेंगे जेनेवा के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर। फोर्थ, विच स्विट्जरमैन इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो कौन सा स्विट्जरलैंड का जो मैन है उसको बोला जा, वो है फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी का, रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर। रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नोबेल प्राइज उसने भी बहुत बार जीते, तो आप जरूर इसको एक बार सर्च करना रेड क्रॉस को। क्लियर। तो इसको हम ये थे हमारे कौन इनका नेम बता रहे जो फाउंडर थे, ये थे हमारे हेनरी हेनरी डोनाट, DUNAT। दिस इज द आंसर ऑफ दैट फोर्थ पार्ट। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा हो गया क्या चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट। क्लियर। तो अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, बाकी सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।